हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज मैं आपको ये राउंड शेप का बहुत ही प्यारा ये टेबल मैट बनाना सिखाऊंगी। आप फ्रेंड्स इसको टेबल मैट बना के यूज कर सकते हो, या थोड़ा सा और बड़ा बना के पूजा का आसन बना के यूज कर सकते हो, या डोरमैट बना सकते हो। अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप इसको कुछ भी बना के यूज कर सकते हो। तो देखिए, ये मैंने फ्रेंड्स दो मेरे पास ये चुन्नी है, मैंने चुन्नी से इसकी स्टार्टिंग की है, मैं इसको कंप्लीट करूंगी। तो इसकी मैंने देखिए फ्रेंड्स चौड़ी, इतनी चौड़ी चौड़ी मैंने, इससे मैं आपको बना के दिखाऊंगी, इसकी मैंने इतनी चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ ली हैं चुन्नी की, जो हमारे पास वेस्ट चुन्नी पड़ी रहती हैं। और फ्रेंड्स मैं 8 नंबर की निडल देखिए मैं इसमें यूज करूंगी, ये देखिए 8 नंबर की नीडल से मैं इसको बनाऊंगी। अगर आपके पास मोटी है तो आप मोटी इसमें यूज कर लेना, और अगर आपके पास साड़ी है या कोई भी मतलब पुरानी लेगिंग है, कुर्ती है, कोई भी पुराना ऐसे कपड़ा वेस्ट पड़ा है तो आप उसकी पट्टियां बना के इसको बना सकते हो। ये देखिए, बिगनर्स भी इसको आसानी से बना सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इजी तरीके से मैं इसको बताऊंगी, बिल्कुल सबसे आसान फंदे डालने सिखाऊंगी। ये सिंपल हमने नोट लगाई, जैसे हम खुद जब हमने निटिंग सीखी थी तो हम ऐसे ही फंदे डालते थे। ये देखिए, ऐसे ये हो गए हमारे 2 3 4 5, ऐसे ही हमने फंदे डालने हैं फ्रेंड्स। तो 18 फंदे मैंने ये अंदर लिए हैं, और ये जो हमारी झालर चलेगी, ये देखिए ये प्यारी सी झालर है, इसके लिए मैंने 8 फंदे अलग से लिए हैं। 26 फंदे मैंने इसमें, 26 फंदे मैंने इसमें लिए हैं, ये देखिए ये मैंने 26 फंदे इसमें डाल रखे हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट रो से ही हम इसमें सेकंड कलर, मैंने ब्लैक में इसलिए नहीं दिखाया फ्रेंड्स क्योंकि इसमें डिजाइन क्लियर नहीं दिखाई देगा, आपको कम समझ में आएगा, इसलिए मैंने दोनों ही कलर, एक पिंक और एक ये, दोनों ही लाइट कलर लिए हैं ताकि इसकी झालर का डिजाइन आपको साफ साफ दिखाई दे। ये देखिए, सिंपल हमने इसमें फंदे डाल लिए, जितने भी आपको फंदे डालने हैं उतने ही आप इसमें फंदे डालिएगा, सिंपल है बिल्कुल। और वीडियो डिजाइन को समझने के लिए फ्रेंड्स वीडियो को आप एंड तक देखिए, फिर आपको डिजाइन समझ में आएगा। फर्स्ट फंदे से ही हम अपना सेकंड कलर इसमें लगा लेंगे, 2 3 4 5, इसको आप ऐसे खींच के टाइट कर दिए, 5 6 7 और ये 8। ये देखिए 8 फंदे हमारे ये हो गए। बाकी के हम अपने इस कलर से बनाएंगे। ये सारी रो हम बना के कंप्लीट करेंगे। ये जिस पे हमने नोट लगाई थी इसको भी हम बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, फर्स्ट रो ये हमारे रॉन्ग साइड है, यहां से हमने अपना कलर लगा लिया। और फ्रेंड्स ये जो हमारा झालर का डिजाइन है ये हमारा राइट साइड से बनेगा, हर बार राइट साइड से इसमें चेंज आएंगे। अब देखिए, ये फर्स्ट वाला फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे, और ये जो है फ्रेंड्स आप इसको भी इसी के अंदर आप ऐसे इसको ले लीजिए। ये हम दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाएंगे,
राइट साइड से भी उल्टा और रॉन्ग साइड से भी उल्टा। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, हमारी झालर की यहां से अब स्टार्टिंग हो जाएगी। यहां तक हमने अपने बना लिए, इस पट्टी को हम पीछे कर देंगे और ध्यान से देखिए पीछे से ऐसे क्रॉस करके लेके आएंगे हम, ऐसे यहाँ पे हमारा गैप नहीं बनेगा खींच के। अभी फ्रेंड हम इसको सीधा ही बनाएंगे, पीछे ही रखेंगे, लेकिन हमने अपना धागा क्रॉस कर लिया है। देखिए अब बनाएंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा, ये देखिए ये हम सीधा बनाएंगे। हर बार हम एंड तक बिल्कुल पूरा डोरमेट बनाने तक हम इसको सीधा ही बनाएंगे और इससे अगले वाले फंदे पे हम ऐसे जाली बनाएंगे। पट्टी को आगे करके ये बाकी के फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 2, 3, 4, 5 और लास्ट वाला हम इसको हर बार हम सीधा बनाएंगे। यहां से हमारे झालर की स्टार्टिंग हो गई। अब देखिए रॉन्ग साइड से हम ये सारे ही फंदे, इसको भी हम इसमें ही ले लेंगे। ये हमारा जाली वाला फंदा है, ये हमारा सीधे वाला है। यहां से फिर हम ऐसे क्रॉस करेंगे, देखिए धागे को इसके ऊपर से ये ले लेंगे और फ्रेंड्स ये हम सारे ही उल्टे उल्टे बनाएंगे। लास्ट के 3 फंदे हम छोड़ देंगे। देखिए एक और हम बनाएंगे, 3 फंदे छोड़ दिए, हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। हर बार हम इस साइड 3-3 फंदे छोड़ेंगे तब तक हम यहां तक नहीं आ जाएंगे। इस वाले को हम ऐसे ही उतारेंगे, इसको बनाएंगे तो फ्रेंड्स यहां पे गैप बन जाएगा। आप इसको हमेशा पट्टी को अपनी तरफ करके ऐसे ही उतार दीजिए। इस साइड का बिल्कुल सिंपल है, खाली हमने 3-3 फंदे छोड़ने हैं। अब आप फ्रेंड्स झालर कैसे बनेगी हमारी, आप इस पे ध्यान दीजिए। ये देखिए इसको हम पीछे करेंगे, ये हमारा पीछे ही रहेगा। इसको हम देखिए क्रॉस करवाना है, ऐसे ऐसे आएगा तो हमारा क्रॉस हो जाएगा। इसको हम सीधा बनाएंगे, इस पे हम जाली डाल लेंगे और ये पिछली बार हमारा जाली से बड़ा हुआ फंदा है, इसको हम सीधा बना देंगे। अगली बार हम इसको सीधा बना देंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। ये हमने पांच हमने उल्टे बनाने हैं और इसको हमने ऐसे सीधा बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स ये वाली रो मैं उतार लेती हूँ, ये 3 फंदे मैं छोड़ दूंगी और इस साइड यहां तक आ जाऊंगी, फिर मैं बताऊंगी आगे हमें झालर कैसे बनानी। देखिए यहाँ पे मैंने 3 फंदे छोड़ दिए हैं और ये मैंने यहां तक रो बना ली है। अब देखिए इसको पीछे करेंगे, पिंक हमारा पीछे ही है लेकिन ऐसे क्रॉस कर लेना आप हर बार। इसको देखिए फ्रेंड्स हम सीधा बनाएंगे, ये हमारा ऐसे पूरे राउंड में ऐसे ये सीधा सीधा बनेगा। पट्टी को आगे करेंगे, इस पे हम जाली डाल लेंगे हर बार। ये हमारे देखिए एक पिछली बार का है, उससे पहली बार का, इनको हम सीधा बना देंगे। 1, 2, 3, 4, 5 5 उल्टे बनाएंगे और इसको हम सीधा बना देंगे। देखिए फ्रेंड्स एक हमारी छोटी सी बनती जाएगी, बहुत ही फिनिशिंग आएगी ऐसे। ये देखिए इसमें अगर आप इसको
धाग पट्टी को पीछे करके सीधा बनाओगे। तो फ्रेंड्स मैं ये बना लेती हूँ, तीन तीन करके छोड़ देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारे एक दो तीन फंदे हमारे यहाँ पे बढ़ गए, और देखिए फ्रेंड्स तीन ही हमारी यहाँ पे लाइन बन गई। जब हमारे यहाँ पे छह फंदे ऐसे तीन और हम बढ़ा लेंगे और ये हमारी छह लाइन ऐसे बन जाएंगी, उसके बाद फिर मैं बताऊंगी कि हमें यहाँ पे फंदे कैसे घटाने हैं। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, आप भी कर लीजिए, फिर बताऊंगी ऊपर हमें क्या करना है। ये देखिए मैंने तीन तीन करके सारे ही फंदे छोड़ दिए हैं, और ये देखिए ये इस बार इस रो में हमारे यहाँ पे एक दो तीन चार पांच और एक ये हम बनाएंगे यहाँ पे, तो हमारी ये छह रो बन जाएंगी। और ये देखिए इधर हमारे ये बीच में छह फंदे बढ़ गए। अब हमें क्या करना है, देखिए पट्टी को पीछे करके इसको क्रॉस कराएंगे। ये देखिए एक हमने बनाया फंदा, हमने हर बार बढ़ाना है, ये हमारा बढ़ गया। इनको फ्रेंड्स हम सीधा बना दें, दो तीन चार पांच, और एक हमारा ये बढ़ गया। इन फंदों को हम एक दो तीन चार पांच पट्टी को पीछे करके इसको हम सीधा बना देंगे। देखिए अब हमें क्या करना है, ये एक बार का हमारा डिजाइन, आपको हर बार इतने ही बीच में फंदे बढ़ाने हैं और इस साइड ये ऐसे ही बनाना है। अब हम क्या करेंगे, देखिए दो का एक करेंगे, एक हमारा घट गया, दो तीन चार पांच। और फ्रेंड्स जब हम छठा फंदा घटाएंगे तो हम यहाँ पे अपना कलर चेंज कर लेंगे, क्योंकि हम इसको अपोजिट बनाएंगे। अब हमारी झालर ये अंदर दूसरा कलर चलेगा तो झालर में हमारा ये वाला कलर इधर आ जाएगा। तो छठा फंदा जब हम घटाएंगे तो देखिए आप इस कलर से इसको बना लेना। ये बाकी के फंदे हम अब पर्पल से बनाएंगे, ध्यान से देखिए। झालर झालर के फंदे आपने इस कलर से बनाने हैं, और यहां से अब हम अपना ये वाला कलर लगा लेंगे, और इस रो को हम सारा ही बना के कंप्लीट करेंगे, इसमें हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे। देखिए ये हमने सारे ही फंदे बना लिए, हमारा कलर हमने यहाँ पे अब ऐड कर लिया है। अब आप देखिए ये रो भी हम ऐसे ही उतारेंगे, और अगली रो से फिर हमने जैसे नीचे स्टार्ट किया था तीन तीन फंदे यहाँ से छोड़ने हम शुरू कर देंगे। ये देखिए यहाँ तक हम बना लेंगे, इसको पीछे करेंगे। अब हम ये आगे ले आगे नहीं लेके आएंगे, पीछे से ही बनाएंगे, लेकिन क्रॉस कर लेंगे। ये देखिए इसको हम सीधा बनाएंगे। अब हमारी दोबारा स्टार्टिंग हो गई, ध्यान से देखिए यहाँ पे फिर थोड़ा सा चेंज आएगा। इस पे हम जाली डाल देंगे, ये फंदे हमारे ऐसे ही रहेंगे। अब पट्टी को आगे करके ये हम उल्टे बना देंगे। अब तीन चार और ये पांच, और छठा फंदा हम ऐसे जैसे पहले हमने बनाया था
हम ऐसे ही इसको बना देंगे। तो देखिए ये हमारी ऐसे ही जब हम घटाएंगे जब भी और ये नीचे से तब ये फंदा बनाएंगे तब भी ये ऐसे ही चैन ऐसी हमारी चारों तरफ चलेगी। तो देखिए हमने यहाँ पे कलर अपना ऐड कर लिया है। अब फ्रेंड्स हम इसको ऐसे ही कंटिन्यू बनाएंगे जैसे हमने नीचे बनाया था। एक रो और उतार के मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। और फिर भी अगर फ्रेंड्स आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इसको आप ये फ्रेंड्स मैंने ऐसे ही ले लिए, आप इसको इसके साथ साथ चलाइएगा तो फिनिशिंग आएगी अंदर और हमारे धागा भी नहीं खींचेगा। आप कलर कंट्रास्ट फ्रेंड्स अपनी आप मर्जी से आप इसमें लगाइएगा। ये देखिए अब इसमें हम तीन फंदे और पीछे छोड़ देंगे और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। मेरी पट्टी छोटी सी रह गई फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार इसमें इसलिए मैंने और बनाया है ये एक रो ताकि आपको मैं ज्वाइंट लगाना भी बता दूं। अगर आप साड़ी या चुन्नी से बनाओगे तो इसमें आप ज्वाइंट कैसे लगाओगे। इसको पीछे करेंगे, पीछे से इसको ऐसे लेके आएंगे और इस पे हम जाली डाल लेंगे। इसको हम सीधा बना देंगे या आपको दिखाई देने लग जाएंगे साफ। हमारा फंदा पिछली बार का बड़ा हुआ और ये बाकी के हम उल्टे बना देंगे। पांच हम उल्टे बनाएंगे और इस पे हम पीछे करके इसको हम सीधा बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत इजी है, आप एक बार इसको ट्राई जरूर करना। और अगर आप इसको एक सिंगल कलर में बनाओ तो इस सिंगल कलर में भी आप इसको बना सकते हो। और अगर झालर में आपको दूसरा कलर नहीं देना है तो कोई बात नहीं, आप एक कलर की भी झालर चला लेना, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे ही बनाना। ये देखिए अब यहाँ पे मैं आपको ज्वाइंट बताऊंगी। ये देखिए ये हमारी पट्टी है। हम देखिए फ्रेंड्स दूसरी पट्टी लेंगे और इसके ऊपर ऐसे लगा के ये देखिए हम इसको ऐसे रोल रोल कर देंगे तो हमारा ज्वाइंट इजिली लग जाएगा। इसमें आपको नोट लगाने की जरूरत नहीं। ये देखिए तीन हमने पहले छोड़े थे, तीन हम इस बार छोड़ देंगे। ये देखिए और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप इसको ऐसे कंटिन्यू बनाओगे तो देखिए ये इस तरह से इसकी लुक आएगी, ये बहुत ही सुंदर बनेगा। और ये देखिए ये यहाँ पे हमारी ये जाली डलती जाएगी और ये वाला सीधा फंदा ऐसे ही चलेगा पूरे राउंड में। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग से और बहुत ही ये अच्छा लगता है और बहुत इजी है इसको बनाने में। तो फ्रेंड्स आप एक बार इसको जरूर ट्राई करना और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे फ्रेंड्स नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे नए नए डिजाइन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में नए डिजाइन के साथ। थैंक यू।